டவுட்நெட் ஆப்பை இன்று பதிவிறக்குங்கள் டவுட்நெட்டில் ஆறாவது முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம் அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம் உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் இடுங்கள் அதனை கிராப் செய்யுங்கள் உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள் டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து हेलो एप्पलिवन क्वेश्चन है डी डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द सीज़ यस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इस 10 सेंटीमीटर एंड डी यूनिट ऑफ मास इस 100 ग्राम दें डी वैल्यू ऑफ डी डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल विल बी ओके तो य जो डेंसिटी गिवन है वो कितना गिवन है फोर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके सो इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो टेन सेंटीमीटर है और यूनिट ऑफ मास जो है वो हंड्रेड ग्राम गिवन है तो यहाँ पे हमें वैल्यू बताना है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल तब कितना होगा ओके okay, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द मटीरियल इन दी जी सिस्टम डेंसिटी ऑफ मटीरियल इन सीजीएस सिस्टम ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सो so, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं रो इज इक्वल टू तो कितना होता है मास बाय वॉल्यूम सो so, मास है यहाँ पे हमारा ग्राम में और वॉल्यूम है यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर क्यूब में ओके okay, तो सिंपली यहाँ पे डेंसिटी कितना गिवन है क्वेश्चन में रो इज इक्वल टू तो फोर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके okay, ये गिवन है सो so, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट नाउ अब क्वेश्चन में बोला है कि जो यूनिट है इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज टेन सेंटीमीटर ओके, कर रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू कितना है टेन सेंटीमीटर और यूनिट ऑफ मास जो है यहां पे हमारा यूनिट ऑफ उसको मैं वाई कंसीडर कर रहा हूँ और वाई इज टू कितना के बने हंड्रेड ग्राम ओके So, x is equal to 10 centimeter, y is equal to 100 gram. So, this is equation 2nd, and this is equation number 3rd. Okay. So, now, from equation 2nd, say, from equation 2nd. Okay. So, from equation 2nd, say, 1 centimeter. That will be equal to how much? x, y, 10. Equation number 4. सिमिलरलीमिलरली इक्वेशन थर्ड वन ग्राम दिल बी इक्वल टू वाई बाई हंड्रेड दिस इज इक्वेशन नंबर फिव ओके सोनाओ डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ओके सो डेंसिटी यहां पर देखो कितना क्वेश्चन में फोर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों फोर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके फोर ग्राम पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके सो रोज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से देखो फोर ओके okay. और वन ग्राम इज इक्वल टू वाई वाई हंड्रेड तो यहां पे देखो वन ग्राम इसको कंसिडर कर रहा हूं इक्वेशन फिफ्थ से वाई वाई हंड्रेड इन टू अब सेंटीमीटर क्यूब है ये ओके तो सेंटीमीटर क्यूब करेंगे यहाँ पे ओके okay, तो ये आ जाएगा देखो यहाँ पे हमारा x बाई टेन ओके तो एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब और ऊपर क्या चला जाएगा यहाँ पे हमारा टेन क्यूब तो टेन क्यूब करेंगे वन थाउजेंड ओके सो हंड्रेड से ये कितनी बार चला जाएगा हंड्रेड टेन 10 बार चला जाएगा और फोर इंटू टेन करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा फोर्टी ओके फोर्टी और यहां से ये कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा वाई वाई एक्स क्यूब अब y वाई एक्स क्यूब यहाँ पे हमारा क्या है y है यहाँ पे हमारा 100 ओके okay, और x है कितना 10 ओके okay, तो सिंपली यहाँ पे देखो सिस्टम ऑफ यूनिट कितना आ गया y वाई एक्स क्यूब ओके तो ये क्या है था हमारा यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट था सिस्टम ऑफ यूनिट ओके सो सिस्टम ऑफ यूनिट सो नाउ इसको हम लिख सकते हैं रोज इक्वल टू 40 और यहाँ पे इसको लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ओके तो यहां से हमारा जो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आ रहा है वो कितना आ रहा है फोर्टी यूनिट्स के इक्वल ओके सो दिस इज द आंसर अब देख लेते हैं अपना ऑप्शन यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी फोर्टी सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग